हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अभी क्लासेस। सभी क्लासेस में सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए आंसर की लेकर आया हूं, जो कि मैथमेटिक्स पेपर वन का मैथमेटिक्स पोर्शन है, जिसमें 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन में आप लोग जो करेक्ट आंसर होगा उसको मैं करेक्ट करूंगा। आप लोग क्वेश्चन को आंसर को मैच कीजिएगा, आप लोग कौन सा आंसर करेक्ट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। द फर्स्ट फोर मल्टीपल ऑफ 7 आर, इसका करेक्ट आंसर आप लोग का होगा आंसर नंबर सी, जो 7, 14, 21 और 28, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया, 0.9 × 0.008, इसका इक्वल क्या होगा, मल्टीप्लाई करना है। सिंपली आप लोग मल्टीप्लाई कर दिए 9, 8 जा 72, और कितना पॉइंट, कितना डिजिट के बाद पॉइंट देना है, तो देखिए यहाँ पे कितना दिया है, 3, 4 डिजिट के बाद आप लोग क्या दे दीजिएगा, 10 देना है यहाँ पे, यानी पॉइंट देना है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट कौन सा होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द इन ए ट्रायंगल। यहाँ पे देखिए कितना एलिमेंट्स होता है एक ट्रायंगल में, ये बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसका आंसर करेक्ट हम लोग का होगा डी, यानी 6 इसका होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं एलिमेंट्स का क्या होता है, 3 एंगल्स होता है और 3 इसका क्या होता है, हम लोग का साइड्स होता है, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 34, यहाँ दिया इफ द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 650 सेंटीमीटर क्यूब, देन द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज एग्जैक्टली। लास्ट प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी 33 सेंटीमीटर। यहाँ पे 33 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो आप लोग इसको 33 ही कंसिडर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 68। ये तो एकदम इजीली क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आप लोग के लिए दिया है। यहाँ पे देखिए कौन सा पूछा है कि कौन सा फैक्टर नहीं होगा, यहाँ 2, 4, 6 और 17 दिया है। तो देखिए 4 भी फैक्टर होता है, 2 भी होता है, 17 भी होता है, 17, 4 जा 68 होता है। यहाँ पे हम लोग कौन सा करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे पूछा है नॉट, मतलब कौन फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यानी 6 इसका फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, यहाँ पे दिया है द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9, मतलब 9 का मल्टीपल का एवरेज निकालना है, कितना फर्स्ट 5। तो आप लोग कुछ नहीं देखना है, 5 times मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 × 2, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 55, और जो मिडिल में आ रहा है कौन सा आ रहा है, यहाँ पे 27 मिडिल में आएगा, दोनों साइड दोनों आ जाएगा, लेफ्ट साइड में 2 और राइट साइड में 2, यानी कि यहाँ पे हम लोग का मिडिल होगा 27, आंसर नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए 37 क्वेश्चन नंबर 37 दिया है, चूज द नंबर व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इन द ग्रुप। यहाँ पे लिखा है कि कौन सा सबसे अलग है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 25, 36, 64 और 78 है, तो यहाँ पे हम लोग का तीन दो ए बी सी जो है इसमें देखिए सब स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर होता है, 36 जो होता है 6 का स्क्वायर होता है, और 64 जो होता है 8 का स्क्वायर होता है, बट 78 जो है किसी का स्क्वायर नहीं होता है। इसका मतलब ये मतलब यहाँ ऑड फाइंड करना था सबसे अलग कौन सा है, तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 38 क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, 38 में दिया हम लोग का ए एंड बी आर टू फिक्स्ड पॉइंट 5 सेंटीमीटर अपार्ट एंड सी इज ए पॉइंट ऑन ए बी सच दैट ए सी इज 3 सेंटीमीटर इफ द लेंथ ऑफ ए सी इज इंक्रीज बाई 6% द लेंथ ऑफ सी बी इज डिक्रीज बाई। यहाँ पे हम लोग का निकालना है कि मतलब लेंथ इंक्रीज कर रहा है ए सी का, तो डिक्रीज सी बी जो होगा हम लोग को एक पॉइंट देखेंगे, 2 पॉइंट है फिक्स पॉइंट ए बी, इसको मैं आप लोग को डिटेल्स बता दूंगा, ये थोड़ा क्वेश्चन हट गया है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसका, ऑप्शन नंबर 38 का डी करेक्ट होगा, यानी 9% इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑड नंबर। यहाँ पे तो एकदम इजी क्वेश्चन दिया, कौन सा ऑड नंबर नहीं है, हम लोग पता है कि ऑड नंबर कौन सा होता है, जो कि जो नंबर 2 से मल्टी डिवाइड ना हो, मतलब 2 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर बच जाए, उसी 1 रिमाइंडर बच जाए, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कौन कौन है, यहाँ पे सब 225 ऑड नंबर होगा, 233 ऑड होगा, 391 भी ऑड होगा, 370 जिसका लास्ट में 0 है उसका भी ऑड नंबर नहीं होगा, यानी हम लोग जानते हैं जैसे कि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, ये लास्ट में अगर कोई संख्या रहता है, कोई डिजिट का मतलब लास्ट का डिजिट अगर ये 0, 2, 4, 6, 8 होता है, तो वो संख्या हमेशा इवन नंबर होगा, तो यहाँ बोला है कि नॉट ऑड, इसका मतलब इवन, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा हम लोग का डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए यहाँ पे, 5 men कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल 1 man कंप्लीट द सेम जॉब। यहाँ पे क्या दिया है कि 5 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, तो एक आदमी क्या करेगा, ज़्यादा दिन में करेगा, तो हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 × 5 कितना होगा, 50, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, 40 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 41 देखिए यहाँ पे दिया है, ए शॉपकीपर मेक्स हिज गुड्स 30% अबव हिज कॉस्ट प्राइस बट एलोज अ डिस्काउंट ऑफ 10% एट द
टाइम ऑफ सेल हिज गेन परसेंटेज, हम लोग का गेन परसेंटेज निकालना है। देखिए यहाँ पे क्या किया है, मान लीजिए 100 रुपया सामान को 30% इंक्रीज करेगा तो 130 होगा, 130 पे 10% डिस्काउंट देगा तो इसका मतलब 13 रुपया डिस्काउंट देगा, तो कितना उसका मतलब डिस्काउंट देगा, 130 है उसमें 13 रुपीज अगर डिस्काउंट दे देता है तो बच क्या रहा है, 130 से 13 माइनस कर देंगे तो 117, यानी 100 रुपये का सामान को बेच कितना रहा है 170 रुपये में, इसका मतलब उसे कितना परसेंट लाभ हो रहा है 17%, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन डी, यानी गेन कितना हो रहा है 17%। नेक्स्ट हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द नंबर ऑफ एंड पॉइंट ऑफ ए लाइन, मतलब एक लाइन का कितना एंड पॉइंट होता है, दो एंड पॉइंट होता है कि नहीं, एक एंड पॉइंट मतलब अंत का दो ही होता है ना, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, यानी ऑप्शन इसे कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 में हम लोग का दिया है, इफ द हाइट ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 8 सेंटीमीटर एंड द सम ऑफ पैरेलल साइड इज 16 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज, हम लोग का एरिया निकालना है किसका ट्रेपेजियम, मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करवाया हूँ, यहाँ पे देखिए 8 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर दोनों का साइड का 16, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैं एकदम इजी से आप लोग बता दिया था, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और दो से डिवाइड कर दीजिए, वही आंसर होगा इसका, तो 16 × 8 करेंगे तो 128 होगा, उसमें दो से डिवाइड करेंगे तो 64, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा इसमें, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे 44 क्वेश्चन में दिया है, देखिए 7/8 मैं जहाँ जा रहा हूँ जाने दो ना, मैं कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ ना, ठीक है बोलो, चलो फिर से बोलो। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पे दिया है, देखिए 7/8 - 8/11 इक्वल टू दिस, तो हम लोग क्या करेंगे 8 और 11 का एलसीएम ले लेंगे 88 होगा, उसके बाद क्या करेंगे 11 को हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करें 7 से 77 - 8 इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देने से हो जाएगा, यानी कि उधर 64 हो जाएगा इधर 77, यानी कितना बच जाएगा माइनस करने से 13 और नीचे हो जाएगा 88, मैंने 13/88 ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में हम लोग का दिया है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा लॉजिकली मतलब रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर करेक्ट होगा सी मोस्ट, मतलब इसका आंसर करेक्ट होगा सी, ठीक है, यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में दिया हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर्स आर देयर बिटवीन, मतलब फोर डिजिट नंबर हम लोग यहाँ देखना है, फोर डिजिट नंबर किस में 999 से 3000 का अंदर कितना होगा, तो हम लोग का यहाँ आंसर करेक्ट होगा 2001, मतलब 2001, ठीक है ना, यहाँ पे 2000 हम लोग कैसे करेंगे 3000 में जो है उसको माइनस कर देंगे, बस कुछ नहीं करना है, 3000 से माइनस 999 कर देंगे तो जो होगा वही आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन नंबर में दिया है, देखिए इसका डायरेक्ट आंसर होगा आप लोग इक्वेट करके, ये थोड़ा लेंदी टाइप का क्वेश्चन दिया था, इसका आंसर आप लोग करेक्ट होगा ए, ऑप्शन ए यानी 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ दिया है विद द हेल्प ऑफ व्हिच 3 एंगल्स ए ट्रायंगल कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड, तो हम लोग का पता है कि एक एंगल मतलब एक ट्रायंगल में कितना डिग्री का एंगल बनता है 180, तो 180 में हम लोग क्या करेंगे कि सबको ऐड करके तीनों साइड का एंगल को ऐड करके देखेंगे, अगर 180 आ जा रहा है तो वो ट्रायंगल एक फॉर्म कर सकेगा, अगर नहीं आएगा 180 ज़्यादा या कम आता है तो वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा, तो यहाँ पे देखिए हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन में जो दिया है 60 और 55, ये हो जाएगा 115 और 75 190, ऑप्शन नंबर ए ही इनकरेक्ट है, यानी आंसर करेक्ट होगा ए, और बाकी देख लीजिए ऐड करके सब ऐड करने के बाद 180 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 दिया 27 डिवाइडेड बाई उसके बाद दिया है 9, अगर ब्रैकेट का पहले हम लोग काम करते हैं ना, तो फर्स्ट हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 3, और 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 9, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा इसमें, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 में हम लोग का दिया है द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 9 एंड 15 इज, 9 और 15 का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम हम लोग पता है कैसे निकालते हैं, 9 को 3 × 3 लिखेंगे और 15 को 3 × 5 लिखेंगे, तो उसके बाद क्या होगा 3 × 5 और 3 × 3, तो यहाँ पर हम लोग 3 × 3 को ले लेंगे, उसके बाद अगर 5 नहीं मिलता है फिर भी वो लेंगे, तो 3 × 3 × 5 क्या हो जाएगा 9×5 = 45, यानी कि हम लोग का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 दिया हम लोग का 1.44 डिवाइडेड बाई 1.2, ये देखिए डिवाइडेड बाई दिया तो हम लोग डिवाइड करके देखें तो इसका आंसर करेक्ट आ रहा है ऑप्शन ए नंबर, इसका आंसर ए करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ दिया है NMEICT, यहाँ पे NMEICT जो दिया है इन व्हिच ईयर NMEICT वाज लॉन्च, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा करेक्ट होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका आंसर, आंसर ए करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर
53. How many lines can be drawn through two given points? ये direct question में बताया था और last year previous year में आप लोग का एक question direct आया था. इसका answer correct होगा 1. यानी option A correct होगा. हम लोग को दो पॉइंट से एक ही स्ट्रेट लाइन या लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54. क्वेश्चन नंबर 54 में दिया द इवन प्राइम नंबर इज. मैंने कितना बार आप लोग बताया हूँ कि इवन प्राइम नंबर हमेशा कितना होता है, सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर है जो कि 2 है. यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, 54 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55. यहाँ पे दिया 55 में हम लोग का द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज हाफ सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज. हम लोग पता होता है कि स्क्वायर का एक साइड जितना होता है चारों साइड सेम होता है. स्क्वायर में कितना साइड होता है, चार साइड होता है. पेरीमीटर क्या होता है, चारों साइड को अगर ऐड कर देते हैं तो वही उसका पेरीमीटर होता है. तो अगर वन साइड हाफ दिया है तो चारों साइड हाफ हाफ होगा. तो चारों साइड को हम लोग हाफ हाफ ऐड करेंगे तो कितना होगा, वन टू, दो बार हाफ ऐड करेंगे तो वन हो जाएगा. तो चार हाफ है तो इसका मतलब 2. आंसर बी इसका करेक्ट होगा. नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं. 56 में दिया है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए इज. हम लोग का क्या निकालना है, एरिया निकालना. अगर साइड ए दिया है, साइड ए दिया है तो एरिया उसका हमेशा क्या होगा, ए स्क्वायर होगा. यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 57. क्वेश्चन नंबर 57 हम लोग का दिया है लेट द एलसीएम ऑफ सॉरी लेट द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स बी दिस 276 एंड 3 रेस्पेक्टिवली. इफ द वन थर्ड ऑफ द नंबर इज 23 देन द अदर नंबर इज. तो यहाँ पे हम लोग क्या, मैंने बताया था आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ दे दिया तो दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे. अगर एक नंबर दिया, एक नंबर हमें कैसे दिया, वन थर्ड. ये डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था आप लोगों को. तो यहाँ वन थर्ड दिया, इसका मतलब एक नंबर क्या होगा, 3 से 23 में मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा नंबर बन जाएगा. तो 3 इंटू 23 कर कीजिएगा उस मतलब आप लोग क्या करना है, 276 इंटू 3 करके 3 इंटू 23 से डिवाइड कर देना है और जो आएगा वही इसका आंसर होगा. यानी यहाँ करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58. क्वेश्चन नंबर 58 दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने कितना बार आप लोग बताया कि जिसका वैल्यू ऊपर छोटा होता है और नीचे अगर बड़ा होता है फ्रैक्शन में, ऊपर छोटा और नीचे बड़ा अगर फ्रैक्शन में होता है तो हम लोग बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन. यानी ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट होगा, यानी देखिए यहाँ पर 3/2 है, मैंने ऊपर वाला बड़ा है ना, उसके बाद सी नंबर में 5 ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला से, और डी में देखिए ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला से. लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है कि जिसका ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है वो है ए. यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 देखिए दिया है द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 30 इज. मतलब कॉमन फैक्टर हम लोग निकालना है किसका, 12 और 30 का. ठीक है, 12 और 30 का हम लोग का कॉमन फैक्टर निकालना है. तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, देखेंगे कौन सा ऐसा मैक्सिमम जो फैक्टर होगा जिसको 12 को भी जो डिवाइड करे और 30 को भी डिवाइड करे. तो हम लोग का सिर्फ यहाँ पे 6 दिख रहा है, 6 से 12 में भी डिवाइड हो जाएगा और 6 में 30 से भी डिवाइड हो जाएगा. इसका मतलब 12 से देखिए यहाँ पे दिया 12 से तो 12 में हो जाएगा लेकिन 30 में नहीं होगा. 15 30 में होगा, 12 में नहीं होगा. यानी कि हम लोग का यहाँ आंसर करेक्ट कौन सा होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा. नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60. ये लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए है. यहाँ पे दिया है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब. डायरेक्ट मैंने कल ही बताया, परसों आप लोग बताया था 64 सेंटीमीटर क्यूब द एज ऑफ द क्यूब इज. अगर 64 सेंटीमीटर क्यूब है तो हम लोग क्या लिखते हैं, एल क्यूब. यानी साइड क्यूब इक्वल टू 64. तो साइड क्या हो जाएगा, यानी किसका क्यूब होता है 64. यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा. तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग के काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा. आप लोग के मैथ्स का मैंने आंसर की दिया और बाकी सब्जेक्ट्स का भी आप लोग का आंसर की दिया जाएगा. तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू.